भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुखिया मंगलवार को अंबाला में रेलवे के आला अधिकारियों से मिले। बराला ने अंबाला मंडल के रेल प्रबंधक दिनेश चंद्र शर्मा से मुलाकात की। बराला ने DRM के सामने अपने हलके से जुड़ी रेलवे प्रोजेक्ट से जुड़ी कई बातें रखी, जिन पर गहन विचार विमर्श हुआ। रेल अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सुभाष बराला मीडिया से रूबरू हुए। बराला ने बताया कि उनके विधानसभा हलके के अधीन आने वाले रेल ओवर ब्रिज और रेल अंडर ब्रिज बनाए जाने को लेकर DRM से चर्चा की गई है। बराला ने बताया कि टोहाना फतेहाबाद रास्ते पर और हिसार टोहाना रेल ट्रैक पर ROB और अन्य 3-4 जगहों पर रेल अंडर ब्रिज बनाए जाने की आवश्यकता है, जिसके बारे में रेल अधिकारियों के साथ विशेष बैठक की गई। उम्मीद है कि जल्दी ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे। वहीं सुभाष बराला ने गुरुग्राम को फोर्टिस अस्पताल के मामले में भी अपनी राय रखी और कहा कि इस मामले को सरकार बड़ी गंभीरता से ले रही है। बच्चे की मौत और मोटा बिल बनाए जाने के मसले पर तुरंत कार्रवाई की। इस मामले में चाहे कोई व्यक्ति या फिर कोई अस्पताल जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। किसी के भी स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। अंबाला से कृष्ण बाली, आजाद TV न्यूज। देखिए, इसमें मुझे लगता है कि पूरी तरह से पारदर्शिता से इसके अंदर कार्रवाई होनी चाहिए और सब लोग इसके अंदर लगे हुए हैं। जल्दबाजी में कोई निर्णय इसमें हो, मुझे नहीं लगता वो किसी के हित में होगा। हाँ, जो दोषी है, अगर कोई व्यक्तिगत कोई इसमें कोई दोषी है तो उसके खिलाफ, अगर पूरा हॉस्पिटल दोषी है तो उसके खिलाफ, और सरकार इस मामले में लगी हुई है, तहतर तक जा करके जिसके खिलाफ भी कार्रवाई करनी होगी निश्चित रूप से होगी और उचित कार्रवाई होगी। उनके क्षेत्र के LHS हैं और जहां पर वो लेवल क्रॉसिंग में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या रोड ओवर ब्रिज बनाना चाहते हैं, उनके बारे में प्रोजेक्ट से चर्चा हुई तो हमने उनको जानकारी दी कि रेलवे उसमें क्या कर रहा है और स्टेट गवर्नमेंट से हमें क्या आवश्यकताएं हैं। तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के एक्शंस हैं उनको एक्सपीडाइट कराएंगे, और इधर रेलवे की साइड से हमने उन्हें एश्योरेंस दिया है